झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर, पुलिस हिरासत से आरोपियों के भागने के प्रयास का मामला। आरोपी रिंकू सिंह के समर्थन में राजपूत समाज की हुई बैठक, सूरजगढ़ और सुल्ताना एसएचओ पर लगाया जबरदस्ती फायरिंग का आरोप। मां पुष्पा बोली, मेरे बेटे रिंकू सिंह ने मुझे बताया जबरदस्ती मुझ पर की फायरिंग, दूसरे के साथ बेरहमी से मारपीट। सूरजगढ़ एसएचओ सुखदेव सिंह ने चलाई थी रिंकू सिंह पर गोली, एसपी को भेजा मांग पत्र, तीन दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हुआ आंदोलन। कुशलपुरा गांव में हुई आज आधा दर्जन राजपूत प्रतिनिधियों की बैठक। झुंझुनू के सूरजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, 13 अगस्त को पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास में जिस आरोपी रिंकू सिंह पर सूरजगढ़ एसएचओ सुखदेव सिंह ने गोली चलाई थी, उस मामले में अब राजपूत समाज ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर कार्रवाई की मांग की है। आज कुशलपुरा में पास पड़ोस के करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों के राजपूत समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि आरोपी रिंकू सिंह की मां पुष्पा अपने बेटे से मिलने जेल गई थी, जहां पर रिंकू सिंह ने बताया कि उन्होंने कोई भागने का प्रयास नहीं किया, उन्हें जबरदस्ती जोहड़ में ले जाकर गोली मारी गई, वहीं उसके दूसरे साथी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सूरजगढ़ एसएचओ सुखदेव सिंह तथा सुल्तान एसएचओ भजनाराम ने अपने पावर का दुरुपयोग कर ऐसा किया है, जिस पर राजपूत समाज की बैठक में निर्णय लिया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कार्रवाई की जाए, साथ ही दोनों एसएचओ को तुरंत निलंबित किया जाए। यदि तीन दिन में ऐसा नहीं होता है तो राजपूत समाज आंदोलन करेगा। आपको बता दें कि रिंकू सिंह को सूरजगढ़ एसएचओ सुखदेव सिंह ने गोली मारी थी, ऐसे में अब सूरजगढ़ एसएचओ रिंकू सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं आपको यहां यह भी बता दें कि इस मामले में रिंकू सिंह और उसके एक साथी पर पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास का मामला भी दर्ज है। बाइट वन, पुष्पा रिंकू सिंह की मां। बाइट टू, मुंशी सिंह पूर्व अध्यक्ष राजपूत समाज। गाड़ी गई है कलौट की भरिया में दोनों छोरा उतारिया जबरदस्ती, एक न मोदो घेर के कपड़ों लगा के वारदात करी है छोरा के साथ, एक न मोदो घेर के लठास खूब तोड़े है। खुद मचा के आई आगे कार्रवाई आ चाहूँ, भजन लाल और सुखवीर दोनों रल के गोली मारी है, कार्रवाई आ चाहूँ और दोनों सस्पेंड होना चाहिए, धरना प्रवेशन करांगा। आज हमारे यहाँ समाज की मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया कि थाना अधिकारी सुल्ताना व थाना अधिकारी सूरजगढ़ को निलंबित किया जाए। उन्होंने जो रिंकू सिंह के ऊपर जो नाजायज कार्रवाई की, गोली मारी, उसका उपलक्ष्य में उनको सस्पेंड किया जाए। अगर इनको सस्पेंड नहीं किया गया तो हम धरना धरेंगे और रोड पर आएंगे। पूरा समाज और आसपास के गांव के दूसरी जाति के भी